रुके हुए हैं मुस्ताश की, भाई लिफ्ट मिल गई अपने मुस्ताश कोक्सर की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हम रुके हुए हैं। भैया कसम से मेरे भैया भैया ने चैनल शुरू किया था, इनके बहुत अच्छे अच्छे फास्ट ग्रो हो रहे हैं। अच्छी से चाहत जितनी होती है तो मतलब मिल जाता है यार। अच्छा लगा मिल के, उम्मीद थी कि मिलोगे। आपका किस नाम से? मेरा है अंशुल गेरा के नाम से। और अभी लिफ्ट मांग रही है, अपने को टाइम लग जाएगा, कोई क्या पता मिलती है या नहीं मिलती, कब मिलेगी, कितनी देर बाद मिलेगी, होपफुली मिल जाए यार, बस मौसम खराब ना हो जाए। मैं छतरी भी नहीं लेके आया, रूम पे ही पड़ी है। अगर होगी स्नोफॉल ज़्यादा तो अपन ये कोट भीग जाएगा, वरना सुखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधा रमन, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। मैं उठा था सुबह 8 बजे, गरम पानी पिया आराम से, 2 गिलास कॉफी पी गरम गरम, साथ में रस खाए, और अब आराम से अपन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मेरा डोम बिल्कुल खाली था, मैं अकेला था, और शाम को 5:30-6 बजे एक भैया आ गए थे, साहिल भैया, अभी वो बिल्कुल रेडी होके ऊपर गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, शायद मेरे को ढाबे पे जाना है, उनको शायद ऊपर ब्रेकफास्ट करना है। रूम बंद कर देते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब देखते हैं कोई आता है या नहीं शाम तक। जो साहिल भैया है वो भी आज रुकेंगे और कल भी शायद रुकेंगे वो, मेरा तो आज भी रुकना है, कल भी रुकना है, परसों का चेकआउट है, 2 दिन का ओवर एक्सटेंड करवाया था ना। हेलो भैया, क्या हाल चाल। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस में बहुत ज़्यादा है, अभी जो टेम्परेचर है -8 और स्नोफॉल के चांसेस पूरी दिखा रहा है, 80% 70% नेट पे, बाकी देखते हैं होती है या नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं सुबह उठा था तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्नोफ्लेक्स आ रहे थे ऊपर से, उम्मीद पूरी है स्नोफॉल होने की, लेट्स सी होती है या नहीं, आपको दिखाऊंगा। और हमेशा हमारे रूम के बिल्कुल सामने से व्यू, जन्नत जैसा व्यू, यहाँ पे काम चल रहा है, झूला लग रहा है यहाँ, झूला कल बताया भैया ने, जब 1-2 महीने के बाद जब मैं आऊँगा ना तब यहाँ पे झूला लग जाएगा। हो गया, चलते हैं ऊपर, हमेशा यहाँ से स्लिपी होता है स्टेयर्स, आज बर्फ तो नहीं है लेकिन फिर भी। जो साथ में डोम में थे ना 6 लोग नए आए थे वो भी जा चुके हैं। क्या हुआ? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो ये हैं साहिल भैया जो कल आ गए थे शाम को, आपने देखा था लास्ट व्लॉग में, क्या बोला? देखता हूँ एक बारी, बाहर दिख जाएगा। हाँ, नंबर के सामने पर देखते हैं एक बारी, तो वही चेक करते हैं वो ढाबे वाला आया नहीं आया। ओपन है। हेलो ब्रदर, ये तो ये छुप रहा है, तू भाग रहा है, भाग रहा है। अरे भाई भाई, कल तो कुछ नहीं हुआ, भूत भूत तो नहीं आया कल? कर ली तो। अरे मजाक मत करे यार, वहाँ जाके आपके ढाबे पे ना खाना खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में बहुत सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। हाँ चल लेंगे, कोई नहीं, वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, स्नो पॉइंट में, स्नो में खेल के आते हैं तुम्हारा। एक्चुअली भैया कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं कोक्सर वाली साइड, वहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल है और टाइम पास कर लेंगे, अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे, रील बना लेंगे। तो पहले चलते हैं वहाँ ढाबे पे, ब्रेकफास्ट करते हैं सामने जहाँ कल मैं गया था, पंजाबी ढाबा, और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। नीचे से ऊपर आते सांस फूल जाती है, एक तो इतना भारी कोट, ऊपर से हाई एल्टीट्यूड, चलो चलो। यहाँ से व्यू अलग ही दिखता है, मेरे रूम के सामने से व्यू अलग है और यहाँ से व्यू अलग है, मतलब जन्नत यहाँ भी है, जन्नत वहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ के शॉर्ट्स डालता हूँ, आप देखो, ठीक है। तो भाई हम आ गए अपने पंजाबी के ढाबे पे, जहाँ पे कल राजमा चावल खाए थे,
और भैया ने हर यहाँ पर चीज रखी हुई है जो आपको पसंद है, स्पेशली ठंड में खाने के लिए गोलगप्पे। ये देखो भाई गोलगप्पे, तुमको खाना है ना इस वादियों में गोलगप्पे तो खा सकते हो। मैं आके देख के हैरान हो गया, मैंने टिक्की भी रखी है भाई और वो ब्रेड पकौड़ा भी रखा है। मस्त आराम से आके खाओ यहाँ पे, कमाल है भैया आपकी तो गजब। यहाँ आलू पराठा तैयार हो रहा है। ओ तो भाई मैंने ऑर्डर करे आज कढ़ी चावल, कल खाए थे राजमा चावल, आज खाएंगे कढ़ी चावल। राजमा चावल तो बहुत अच्छे थे, आज कढ़ी चावल देखते हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं देखने में। बाकी लस्सी मैन क्या होता है, लो आपकी पिक्चर क्लिक करो। भैया को मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं, कल जो कपल मिले थे ना आपको बताया था, उनकी पिक्चर क्लिक करती है अच्छी अच्छी, तो भैया कहते हैं अपने भी करो भाई, अभी करते हैं सर। तो भाई तैयार है अपने गर्मा गर्म कढ़ी चावल। ओए होए होए धुएं मार रहे हैं, मजा खाते हैं इसको मजे से आराम से। एक बढ़िया सी कॉफी दे देना, चीनी कम रखना। अच्छे हैं यार कटी चावल, अच्छा ऐसा लग रहा है मम्मी ने बनाया, घर के खा रहा हूँ। तो भाई कढ़ी चावल खा लिया हमने, अब यहाँ पे खड़े हैं रोड के पास। भाई कह रहे लिफ्ट मांगते हैं, कोई हमको स्नो पॉइंट तक छोड़ देगा कोक्सर पे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई लिफ्ट देने वाला है नहीं। अब देखते हैं भाई सच्चा है या मैं सच्चा हूँ, ठीक है लेट्स सी। क्या सारे यार टैक्सी वाले आते हैं, टैक्सी वालों के जो अपने क्लाइंट होते हैं वो अपनी प्राइवेसी नहीं देंगे हमको, और जो ऑलरेडी बिना टैक्सी वाले होते हैं वो खुद फैमिली पूरी भर के आते हैं, गाड़ी फुल होती है, वो हमें क्या लिफ्ट देंगे। हाँ कोई जीप वाला होता है जो माल लोड करके जा रहा होता है वो शायद दे दे, लेकिन यहाँ पे उनके चांसेस भी कम है ना। और छोटी छोटी स्नोफ्लेक गिरने शुरू हो गए वापस से, स्नोफॉल छोटी छोटी, और मौसम ख़राब हो चुका है देख लो। आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पड़ रहा है छोटा छोटा, वीडियो बना रहे थे कि हमें लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती है ना, वहाँ रुके हुए हैं मुस्ताश की, भाई लिफ्ट मिल गई अपने मुस्ताश कोक्सर की प्रॉपर्टी है वहाँ पे हम रुके हुए हैं। यहाँ आगे आते आते और व्यू चेंज हो रहे हैं ना, अच्छा अच्छा सही है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ट्रैफिक देखो कितना है, इतनी सारी गाड़ियाँ भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है पीछे, और जो सारे टैक्सी वाले होते हैं वो सबको यहीं पर लेके आते हैं स्नो दिखाने के लिए, जो पहली बार देखते हैं ना स्नो उनके लिए तो पहली बार दिखते हैं ना पीछे। अभी स्नो कहाँ शुरू हुई है। तो भाई मुझे पूरी उम्मीद थी कि भैया मेरे को मिलेंगे, इनकी वीडियोज़ में देखता हूँ, एक कोक्सर की, सोलांग वैली की, सीसो की, हर जगह की लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। भैया क्या समझे मेरे भैया ने चैनल शुरू किया था, इनके बहुत अच्छे अच्छे अच्छी से चाहत तो जितनी होती है तो मतलब मिल जाता है यार। अच्छा लगा मिल के, उम्मीद थी कि मिलोगे। आपका किस नाम से? मेरा है अंशुल गेरा के नाम से, मेरे अभी 2K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए हैं। आपका अच्छा ग्रो हो रहा है, जो भगवान करे हमारे हो गए हैं 5K। हाँ देखा मैंने आपका अच्छा ग्रो हो रहा है, नो डाउट। अभी कहाँ रुके? मैं एक्चुअली 6 दिन से यहीं पर हूँ। अच्छा ये वो है ना मुस्तैद, आपने उस दिन किया था कि यार रुके शायद मुस्तैद व्हाट्सएप पे वो किया था। नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा मैं मुस्तैद में 6 दिन से हूँ। अच्छा आज आया आगे वैसे ही, तो मुझे आप मिल गए यहाँ पे, तो आप कहीं और मिलते रहते हो अभी जिसपा जा रहे हैं। अच्छा जिसपा जा रहे हो, थैंक यू। ओके भैया बाय, चलो यार आ जाओ। अरे भाई ये वीडियो बनाते हैं भैया, मैं इनकी वीडियो देखता था मतलब जब आना था मेरे को यहाँ पे, तो लेटेस्ट अपडेट देते हैं। क्या नाम है इनका? इनका जो चैनल का नाम है ना एक्सप्लोर विद माहीवाज के नाम से, तो लेटेस्ट अपडेट देते हैं ना, इनका चैनल अच्छा ग्रो हो रहा है मैंने देखा। भाई यहाँ पर खुद की कार लेकर आना महापाप है, अगर आप खुद की कार लेके आओगे ना देखो ऐसे फंसे रह जाओगे, ये कम से कम 2-3 किलोमीटर का जाम है, वो सामने देखो आगे तक जाना है वो देखो भाई साहब।
बाइक पे आना, बाइक पे आओ। नहीं सर, ऑलरेडी हमारे स्नो प्रूफ है। तो अगर आपको आना तो टैक्सी कर लो यहाँ पे, बाइक पे आओ, कार पे तो ना ही आओ, फंस जाओगे ट्रैफिक में भाई। तो भाई ये देखो आगे चल के आया यहाँ पर नीचे स्नो पॉइंट जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। कितने छोटे छोटे लग रहे हैं कीड़े मकोड़े बंदे, इतने सारे देखो। और वहाँ सामने नदी रिवर बहती है, चंद्रा रिवर। भाई साहब इतना सारा रस यहीं पे है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। थक गई है बेचारी, हाथ खींच के लेकर जा रहा है। मैंने कहा थक गई है बेचारी, हाथ खींच के लेकर जा रहा है। भाई कपल है, भाई कपल, लड़की हाथ हार मान ले तो साथ तो उसको ही देना पड़ेगा ना, जो उसका हस्बैंड है। तो भाई ये है सारा कोक्सर गांव, छोटा सा ये ब्रिज है कोक्सर का, यहाँ से रास्ता जाता है स्पीति वैली को, चंद्रताल को और काजा स्पीति वैली, और यहाँ से आता है रास्ता मनाली अटल टनल से होते हुए। देखो ट्रैफिक कितना वहाँ पे भाई साहब। ये चंद्रा रिवर बहती है, चंद्रताल से आती है। हाय सर, हाय 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 हाय, आप कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात सोच क्यों बोल रहे हो? क्यों? गुजरात से आए। गुजरात से आए? गुजरात में कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, नथिंग। देखिए कहाँ से आ रहा है। पी रखा था, रंग था, स्मेल आ रही थी उसके फेस से, मुंह से। कैसे कैसे लोग हैं यार? तो भाई अब टाइम हो गया, 2 बज चुके हैं ना? नहीं, 1 बजे। तो भाई बहुत सारा फोटो शूट कर लिया, अच्छी अच्छी रील्स बना ली, अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। अब दोबारा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, देखो मेरी आँखों भी पड़ रही है, पता नहीं कैमरे में दिख रही है या नहीं, लेकिन मौसम खराब हो गया। सामने देखो और पीछे देखो, उधर सारा वाइट हो गया, ऊपर मौसम खराब हो गया। फटाफट से निकलते हैं और अभी लिफ्ट मांग रही है, अपने को टाइम लग जाएगा, कोई क्या पता मिलती है या नहीं मिलती, कब मिलेगी, कितनी देर बाद मिलेगी, होपफुली मिल जाए यार, बस मौसम खराब ना हो जाए। मैं छतरी भी नहीं लेके आया, रूम पे ही पड़ी है। अगर होगी स्नोफॉल ज़्यादा तो अपन ये कोट भीग जाएगा, वरना सुखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो ठंड होगी। मस्त फोटोशूट हो गया भाई अपना, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करो उसको और फॉलो कर लो, आपको दिख जाएगा अच्छी अच्छी रील्स, अच्छी अच्छी पोस्ट। ओके, हो लिप सुना गया यार, स्नोफॉल दिख रहा है आपको कैमरा में? दिख रहा है ना? इधर देखो, कोट पे देखो, दिख रहा है ना वाइट वाइट? अभी वो स्लो स्लो स्नोफ्लेक्स है छोटे से, ये बढ़ जाएगा। फटाफट से रूम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। सारा ट्रैफिक यहीं पे ही है, सारा टूरिस्ट यहीं पे ही है, जो भी टैक्सी वाले सारे सबको यहीं वाले के आते हैं, तभी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है और क्राउड ज़्यादा है। नहीं करूँगा। कपल्स भाई, कपल्स, कपल्स का जमाना है। आप आओगे शादी करके यहाँ पे? आना पड़ेगा शादी करके, फिर पिक्चर्स क्लिक करूँगा मैं आपकी। मैंने अभी अभी किसी कपल को बोला, मैं क्या अभी पिक्चर्स क्लिक कर दूँ अच्छी अच्छी, कह रहे अच्छा आप प्रोफेशनल हो, मैं कह प्रोफेशनल हूँ नहीं लेकिन थोड़ा सा हूँ, तो कहते आज मेरी एनिवर्सरी भी है, कर दो क्लिक। फिर मैं धीरे धीरे गायब हो गया वहाँ से, मैंने क्लिक ही नहीं करी। चलो यार चले। पापा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक बिजनेस खोल लूँ, जो स्नो प्रूफ ड्रेस होती है ना यहाँ पर रेंट पर देने के लिए, क्या बोलते हो? बहुत अच्छा कमाएंगे अपन, एक दिन का कम से कम 5,000 छापेंगे, सबसे बढ़िया बिजनेस है यहाँ पे। बस पहले अपने को थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कपड़े लेने पड़ेंगे, वो जो होते हैं ना डालते हैं स्नो वाले, जैसे उन्होंने डाल रखे हैं, देखो देख रहे वैसे वाले भाई, बहुत रश है यहाँ पे, पैसा छापते हैं लोग, रेंट पर देंगे 50 रुपये जूते का, 100-150 रुपये ड्रेस का, हर दिन के 200 बंदे भी आते हैं, 200 का ज़्यादा ही आते हैं, पर बंदा कितना कमा लेगा। ये देखो ऐसी ड्रेस, ये रही स्नो प्रूफ,
समझ रहे बात को, पापा क्या बोलते हो, खोले बिजनेस, आते फटाफट से। भाई लोग फोटो खिंचाने के लिए देखो कहाँ तक जा रहे हैं, वो सामने ऊपर देखना, वो देखो भाई ऊपर, इतनी ऊपर पहुंच के दोनों फोटो शूट करवाने के लिए। अरे भाई साहब मौत को दावत दे रहे हैं क्या, देख रहे हो यहाँ से रास्ता है, वो वहाँ पहुंच गए ऊपर, इतनी ऊपर तक। अरे भाई बड़ों की फोटो ले कौन रहा नीचे से, खुद ही ले रहे हैं मेरे ख्याल, फोटो शूट कर रहे हैं अपना। वो देखो बैठा फोटो शूट कर रहे हैं ना, वो कैमरा है उसके पास, DSLR गले में डाल रहा है। हाँ ठीक है बैठा, गजब भाई लोग, देख रहे हो कहाँ है, जूम हो रहा है तभी दिख रहे हैं वरना दिखते भी ना। अभी तक लिफ्ट नहीं मिली अपने को यार, पता नहीं देखते हैं। 3 किलोमीटर तो चला है हम, बाकी बचा 3 से 4, देखते हैं अब क्या होता है। तो भाई यहाँ और 2 बंदे मिले अपने को, नमूने कह लो या कुछ भी कह लो, कहाँ तक पहुँच गए। अबे ये तो वही है भाई, वही है, एक DSLR उठाई कर हाथ में। अरे भाई साहब ये देखो भाई कहाँ पहुँच गए, थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई फाइनली लिफ्ट मिल गई थी भैया, देखो तो भाई शाम के 5 बज चुके हैं और हम यहाँ 3 बजे पहुँच गए थे, फिर मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, मैंने फटाफट नीचे आके उसको चार्ज लगाया, थोड़ा सा चार्ज ही हुआ था, फिर मैंने उसको उतार लिया, फिर मैं बाहर आया यहाँ पे, अच्छे से शॉर्ट्स बनाए भजन के ऊपर, वृंदावन मेरा वृंदावन वाले भजन के ऊपर शॉर्ट्स बनाए, उसको मैं अपलोड करूँगा, आप लोग जरूर देखना, बहुत अच्छे बने हैं, मज़ा आ गया बना के। फिर एक फ़ोन की बैटरी चार्ज हुई थी, शॉर्ट्स बना रहा था, दूसरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, उसको चार्ज लगाया, फिर अभी थोड़ी देर से खड़ा था यहाँ पे, मिस्त्री जो काम कर रहे हैं उनसे गप्पे मार रहा था, वो भी ऊपर कुछ उठाने गए हैं। फ़ोन के साथ बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट करी है मैंने, उसको अलग फ़ोन में कैप्चर किया है, उसको मैं तब अपलोड करूँगा जब मैं घर पहुँच जाऊँगा 1 महीने के बाद, फिर आपको दिखाऊंगा कि हमने ये किया था। पता क्या कर रहे थे, पत्थर उठा के ट्राई कर रहे थे कि वो नदी में जाए, लेकिन भाई कसम से जा ही नहीं रहा था, कोई भी नहीं गया, एक गया था वो भी बहुत टाइम के बाद, ऐसे लगता है नदी पास है लेकिन है बहुत दूर, एक पत्थर तक जाता नहीं है। तो बस मज़ा आ रहा है आज, आज ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम हो गई है, अब लग नहीं रही इतनी, अब अभी थोड़ी सी कम है लेकिन थोड़ी सी कम है। आज डेट है 1 मई 2024 और मेरा जो जहाँ पर स्टे था वो था 1 मई तक का, और मैंने आज उसको एक्सटेंड करा दिया, यानी कि आज के दिन भी रहूँगा और कल के दिन भी रहूँगा, तो परसों अपन निकल जाएंगे, फिर हम इस व्यू को मिस करेंगे। उम्मीद पूरी है कि मैं निकल जाऊँगा आगे के लिए, घर के लिए नहीं भाई, आगे के लिए, कहीं आगे घूमने के लिए, वो जगह मैं आपको बताऊँगा कौन सी है, कितनी सुंदर है, वहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए थोड़ा अभी मुश्किल है, मतलब पहले कहाँ जाना पड़ेगा, फिर कहाँ, फिर कहाँ, और देखते हैं कैसे कैसे पहुँचते हैं, बनने लगे मेरे चैनल पे, देखते हैं उम्मीद पूरे निकल जाऊंगा, बाकी देखते हैं। पहले तो यहाँ से बस जाती नहीं है, एक भैया से पूछा था बस जाती है, वो कहते जाती है 1-1.5 बजे, पता नहीं कंफर्म नहीं है जाती है या नहीं, मुझे लगता है उस टैक्सी वाले को फ़ोन करना पड़ेगा मुझे, जो मेरे को पहले दिन यहाँ छोड़ के गया था, उसको फ़ोन करूँगा, वो मेरे को वहाँ ऑटो डालने से उठा लेगा, फिर वहाँ से मनाली छोड़ देगा, फिर मनाली से मैं आगे बस पकड़ूंगा, बहुत लंबा सफ़र है यार, पता नहीं कैसे होगा, बस बस से मिल जाए, वरना स्टे करना पड़ेगा मनाली में, फिर एक दिन कहाँ पे, फिर एक दिन कहाँ पे, रास्ते में कसोल भी है, कसोल क्रॉस करने के बाद कसोल में रहना नहीं है, पता नहीं रहना ना पड़े कसोल में, क्योंकि वहाँ से बस मिलती है या नहीं ये पता नहीं है, चलिए तो देखते हैं क्या सफ़र है क्या नहीं, और कौन साथ चलता है कौन नहीं, जो भैया रहने हैं साहिल जी के साथ में वो भी कह रहे थे चलूँगा, बाकी कन्फर्म नहीं है उसको चलना है या नहीं। हेलो गाइस, ये कोक मत पियो करो, खराब करता है बॉडी को, हाँ खराब करता है, हड्डियाँ खराब कर देता है, हाँ 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 सही है सही है, देखो पता है फिर भी पी रहे हो आप। तो भाई ये देखो आपने पहले देखा होगा व्लॉग में, यहाँ पर काम चल रहा था, तो वो इतना बड़ा लोहे का पता नहीं क्या है, सारे उतार रहे हैं नीचे यहाँ पर लगाने के लिए, ये 4 डंडे आज ही लगे हैं, ये 2 इधर हैं, ये 2 इधर हैं, इतना बड़ा पता नहीं क्या है, इतना पता लगा कि यहाँ पे झूला बन रहा है, अब ये नहीं पता कैसे बन रहा है, और यहाँ पे बोर्न फायर के लिए कुछ सिस्टम बना रहे हैं, आई डोंट नो, जब दोबारा आऊँगा तो पता चलेगा क्या बना है क्या नहीं, कैप्चर कर लिया इस व्लॉग में इसको, तो जब आएंगे देखेंगे बदलाव आएगा। तो भाई शाम के 7:15 हो चुके हैं, अब टाइम है डिनर करने का, भाई बहुत भूख लग रही थी, और मेरे को सुबह वाले कड़ी चावल बार बार दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने कहा चलते हैं कड़ी चावल खाते हैं आराम से, और फिर डिनर करते हैं, और आराम से व्लॉग अपलोडिंग पे लगाते हैं फिर फटाफट से, आज देखते हैं कितनी देर लगती है। हेलो सर, हेलो, तो देखते हैं, कल तो सिर्फ 1/2 घंटे में अपलोड हो गया व्लॉग, आज देखते हैं कितनी देर लगती है, आज भी अच्छा खासा नेट दिख रहा है मेरे को, बाकी देखते हैं ब्रो। भाई वो कोटेज देख रहे हो सारे सारा, आज सारे के सारे कोटेज फुल हैं ब्रो, और पता है कितने प्राइस में, गैस करो, 9,000 में,
भाई 9000 का भाई नो डाउट रूम अच्छे हैं, कॉटेज अच्छा है, बाथरूम परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन 9000 में कॉटेज भाई साहब। अभी परसों तक प्राइस था उसका 6000 कुछ, आज 9000 हो गया। ऐसे ही जहाँ मैं डोम में रह रहा हूँ वहाँ पे रोज़ प्राइस चेंज होता है, जैसे कभी 850, कभी 1000, तो उस पर डिस्काउंट देते हैं वो 10% और फिर टैक्स भी लगाते हैं उससे 12%, तो यही होता है भाई। लेकिन यहाँ का अपना मजा है भाई। हेलो भैया, वो खा गया ना, मैं आ गया, तो खाते हैं भाई कढ़ी चावल और डिनर ख़त्म करके चलते हैं, फिर व्लॉग अपलोड पे लगाते हैं आराम से। एक फ़ोटो ले लूँ उसके मूवमेंट की, फिर डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो भाई डिनर अपना हो गया है फाइनली, कढ़ी चावल का पेट पूरा भर गया भाई, पूरा भर गया, मज़ा आ गया। रेस्टोरेंट में आलू जीरा रोटी से बहुत बेहतर ये है, आपको बताऊंगा इसके पीछे की स्टोरी क्या है कल के ब्लॉग में। भाई मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, आपने देखे हैं ना पहले, कितने अच्छे शॉर्ट्स आए हैं, बिल्कुल रात होगी, हल्का हल्का दिन है और पहाड़ देखो कितने चमक रहे हैं, और कमरों की लाइट है कोटेज की, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, सिर्फ बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ छोटी सी रोड और नथिंग एल्स। वो है ढाबा जहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है भाई, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से भाई, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू, सिनेमेटिक शॉट अच्छे लगे ना आपको जो मैंने डाले भाई। अब टाइम है व्लॉग को अपलोड करने का, जाते हैं फटाफट से रेस्टोरेंट में बैठते हैं और व्लॉग को अपलोडिंग भी लगाते हैं, लेट्स सी कितना टाइम लेता है, टाइम 7:45 हो चुके हैं, देखते हैं गाइस। ओके अगर रात हो गई चले जाओ, कितना स्नोफॉल देखोगे भाई, बस करो अब पहले लाइट में जाता हूँ मैं कॉटेज, इन कॉटेज में जो भी है सभी कपल्स हैं।